हेलो एंड नमस्कार दोस्त, आज आप सभी लोगों का मेरे इस टेक टेक्निकली चैनल में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीवो 91 में कोई भी एप्लीकेशन को किस तरीके से हायर किया जाता है। अगर आपके पास कोई अलग मॉडल है, अगर आप उसको कोई भी एप्लीकेशन हायर करना चाह रहे हो, फिलहाल उस वीडियो की भी मैंने बना दिए, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और उसे आप जरूर देखना है। कोई भी अग्रवाल, कोई भी मॉडल हो, ओनली वीवो ऐप वीवो 91 छोड़ के अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं यही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि वीवो 91 में कोई भी एप्लीकेशन को हायर किस तरीके से किया जाता है। वीडियो कर लेते स्टार्ट, गेट टाइम कवाई ही फ्रेंड, गेट वीडियो लंबी की होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान दीजिए फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य कुशवाहा और आपका फिर से मेरे टेक टेक्निकल चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ। चलो फ्रेंड्स, वीडियो करने से स्टार्ट। सबसे पहले आपको कर देना क्या है, अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर देना प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने आना होने वाला आपको सर्च बार पे सर्च करना है एपेक्स लॉन्चर। मैंने सर्च बार पे सर्च करना है, यहाँ पे देख लो थर्ड नंबर ऊपर सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ गया एपेक्स लॉन्चर। फिलहाल आप पूरा सर्च कर देते हो, देख सकते हो मैंने पहले से ही ओपन कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, इसलिए मैंने इंस्टॉल कर लिया। जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है वीडियो के रिलेटेड, वो कम टाइम में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब मैं सोचता हूँ कम समय में आपको फुल वीडियो मिले, फुल इन्फॉर्मेशन मिले। होता क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और वीडियो में ज़्यादा हार्ड प्रोसेस करना पड़ता है, तब भी वीडियो ज़्यादा लंबी बनी जाती है। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते, सॉरी इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते। जैसे आपने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, इस एप्लीकेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल लेंगे और डायरेक्टली आप ओपन कर लीजिए। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, जैसे आप इसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। थोड़ा सा आपको फ्रेंड्स वेटिंग करना होगा, देख सकते हो आपको सिर्फ क्लिक कर देना नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट के पे आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर एक बार नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको स्किप कर देना है, स्किप करने के बाद फिर एक बार आपको स्किप कर देना है। इस तरीके से आप आसानी से स्किप कर सकते हो, इस तरीके से आप कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। स्किप करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेटिंग हो रहा है। यू आर ऑल सेट, यहाँ पे आप मोड्स होम स्क्रीन, जो मेरी एपेक्स लॉन्चर की एप्लीकेशन है वो होम स्क्रीन में सेट हो जाएगा। देख सकते हो होम स्क्रीन में मेरा जो एपेक्स लॉन्चर था वो इस तरीके से सेट हो जाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके का परमिशन मांगेगा आपको सिंपली यहाँ पे एपेक्स, पहले था क्या होता वन यू होम, आपको एपेक्स लॉन्चर पर क्लिक कर देना है। एपेक्स लॉन्चर पर क्लिक करने और आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने का देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है चेक पे। हाइड करने के लिए आपको एपेक्स सेटिंग पे क्लिक कर देना है। एपेक्स सेटिंग पे क्लिक करने का हिडन ऐप पे क्लिक कर देना है। हिडन ऐप पे क्लिक करने का आपको सिंपली यहाँ पे एड हिडन ऐप्स पे क्लिक कर देना होगा। आपको इस तरीके का जो भी आप कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। देख सकते हो हमने दो चार एप्लीकेशन को हाइड कर लेता, तीन एप्लीकेशन को हाइड कर लेता वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पिक्सल ऐप मैंने एक हाइड किया। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाह रहे हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हो मैं कोई भी एप्लीकेशन को सेटिंग अपनी हाइड कर दी, मैंने अपनी डेटा अपनी हाइड की दिया। आपको मैं यही चार अपनी एप्लीकेशन को हाइड कर देता हूँ। हाइड करने आदि तो ये व्हाट्सअप कोई भी यूज कर लेता, इस तरीके से व्हाट्सअप कोई मैंने यूज किया। आपको हिडन ऐप पे क्लिक कर देना होगा। हिडन ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड हिडन ऐप ऐप्स पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जो एप्लीकेशन थे मेरे यहाँ पे ऐप हिडन ऐप में आ गए। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन हाइड कर सकते हो। देख सकते हो मैंने फाइव एप्लीकेशन को हाइड कर दी, व्हाट्सअप एप्लीकेशन को हाइड कर दी, डेटा एप्लीकेशन हाइड कर दी, सेटिंग को हाइड कर दिया। आपको इस तरीके से हाइड कर देना है। हाइड करने वाला आपको सिंपली मैं दिखा देंगे, जो एप्लीकेशन मैंने हाइड किए वो यहाँ पे शो नहीं होंगे। आपको देख सकते हो मैंने कोई भी एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन हाइड किया वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। देख सकते हो व्हाट्सएप एप्लीकेशन मैंने हाइड किया, व्हाट्सएप एप्लीकेशन को हाइड किया मुझे यहाँ पे, बट यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस आ रहा है मेरे फोन में। दो व्हाट्सएप के
मैं सिंपली बर्ता एप्लीकेशन को हैड कर दिया और बीटा एप्लीकेशन को हैड किया था, बीटा एप्लीकेशन भी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे सेटिंग को भी मैंने हैड किया था, यहाँ पे सेटिंग भी नहीं है। इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन को हैड कर सकते हो। दोस्त आशा करता हूँ आपको इस वीडियो समझ आ रही होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लगी होगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आल करके यहाँ पे प्रेस कर लीजिए और कमेंट में अपना नाम एड्रेस यहाँ पे कोई भी आपको नाइस यहाँ पे नाइस करके सेंडिंग कर दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हो। आप तक तो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल पे जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।